हेलो गाइस, आप लोग देख रहे हैं अमेजिंग टेक वीडियोस में एक और नई वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ। मैं आज आपको इसी वीडियो में PNG फाइल बनाना सिखाऊंगा कि किस तरह PNG फाइल बन सकती है। PNG फाइल हम बनाते हैं वो हम थंबनेल वगैरह में यूज़ कर सकते हैं यूट्यूब पर, जिससे आपको बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा भी आप PNG फाइल खाली यूट्यूबर्स के लिए नहीं और लोगों के लिए भी होते, जो कोई भी यूज़ कर सकते हैं। PNG फाइल एक बहुत अच्छी चीज़ है, आपको बनाना सिखाता हूँ, बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन में ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। पिक्सआर्ट के नाम से आप इसको इजीली प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करके आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम इस एप्लीकेशन को खोलते हैं, हमारे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, जैसे कि हम खुल रही है एप्लीकेशन, तो बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपको खाली आपको इसमें PNG फाइल बना सकाऊंगा, इसका ट्यूटोरियल भी मैं पूरा बनाऊंगा इस एप्लीकेशन का, वो मैं आपको दिखाऊंगा। आपको प्लस का बटन दिख रहा है, इस प्लस के बटन में आप जाएंगे तो आपके सामने ऐसी ऑप्शन आ जाएगी, फोटोज़ वगैरह जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें। मेरी ये फोटोज़ मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक मेरी एक फोटोज़ पड़ी हुई है, इसमें से मैंने सिलेक्ट करी जैसे कि आप देख रहे हैं। तो आपको इसमें आगे आपको एक ऑप्शन दिख रही होगी, ये कटआउट लिखा हुआ है, ये कैंची जो सीजर बनी हुई है, इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर हम क्लिक करें जैसे कि हमारे सामने इस तरह के ऑप्शन आ चुके हैं। आप अब चाहें तो अपने हाथ से आउटलाइन जो आपको दिख रहा है, आउटलाइन के ऑप्शन है, इससे चाहें तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, सिलेक्ट करके आप जितना आप हिसाब चाहें उससे सिलेक्ट कर सकते हैं PNG फाइल बनाने के लिए। या तो आप चाहें तो पर्सन के ऊपर, आप पर्सन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, मैं आपको दिखा दूँ करके। पर्सन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आएगा, इस तरह से आपको सिलेक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है, ये आपको इजी हो जाता है। जैसे कि देखें ना, सिलेक्ट हो चुका रेड एरिया जितना है, और आपको लगता है जो एरिया आपको सिलेक्ट नहीं हुआ तो आप इसको बाकायदा आप इसको कर सकते हैं। यहाँ से जैसे आपको दिख रहा है, आप इससे अपने फिंगर से इसको काम कर सकते हैं, जो आपको एरिया और सिलेक्ट करना हो और आप उस पर रेड करेंगे तो आप उसको वो आपका एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आपको मेरा पर्सन है, ये ऑटोमेटिक होता है या इजी होता है ये भी, कि आप इसको पर्सन से आप सिलेक्ट कर सकें। तो अगर आप चाहते हैं आप इससे नहीं सिलेक्ट करें, आप खुद चाहते हैं कि अपना खुद आप करना चाहें कि आउटलाइन वगैरह बना के आप, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि जैसे कि आप चाहें खुद सिलेक्ट करना चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने ये लिया, पूरा बाकायदा लिया, जितना हिस्सा आपने लेंगे वो आ जाएगा सारा, ही जो आप हिस्सा सिलेक्ट करेंगे खाली वही हिस्सा आएगा, लाजमी ये बात याद रखें। तो जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट करा, मैं इसको आगे करता हूँ, जैसे कि देखिएगा ये किस तरह आपको आगे आएगा, देखिए इंटरफेस आपको दिखाता हूँ किस तरह खुलता है, बहुत ईजी। जैसे कि आपको अब दिख रहा है रेड यहाँ से एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ से तो आप इसको रेजर को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, जिस तरह चाहे छोटा बड़ा करके आप कर सकते हैं। मैं आपको खाली दिखा रहा हूँ, आप इसको छोटा, जैसे कि आप देख रहे हैं ये यहाँ से आप हटा सकते हैं, जो एक्स्ट्रा का रेड कलर आ रहा था, ये एक्स्ट्रा का रेड कलर का मतलब ये है कि वो भी आपके साथ आप आगे जाएंगे तो वो भी आपके साथ शो होगा। तो आप जितने सफाई से अपना PNG फाइल को क्रिएट करेंगे तो उतनी अच्छी लगेगी, और आप जहाँ पर भी इसको अपलोड करेंगे तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो इसके मैं आपको अभी मैंने एक सी बना रहा हूँ, जल्दी जल्दी वीडियो बना के मैं आपको इसको सेव करके दिखाता हूँ किस तरह ये इंटरफेस इसका आएगा, किस तरह शो होगी ये फाइल। आगे जाके मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके आपको दिखाता हूँ किस तरह शो होती है फाइल। जैसे कि देख रहे हैं आपको जो हमने हिस्सा सिलेक्ट करा था वो हिस्सा आ चुका है, जो बहुत सा हिस्सा रह गया था जल्दी जल्दी मैंने आपको करा तो मैं वो हिस्सा नहीं आया, जो साइडों का आपको दिख रहा होगा बहुत सा हिस्सा रह गया। तो ये बहुत अच्छा है PNG फाइल बनाने के लिए एप्लीकेशन, बहुत अच्छी है, एप्लीकेशन को आप यूज़ करें और इजीली आप इसमें आराम से PNG फाइल बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आपको दिखाया है मैंने, बनाना बहुत ईजी है, तो आप लाजमी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना। और हाँ, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए कि किस तरह काम करना है, किस तरह करना है, तो आप मुझसे कमेंट्स करके, मैसेज करके मेरे सोशल IDs पर पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा और आपको जितना हो सके मैं आपकी हेल्प करके आपको समझाऊँगा। और समझाना आपको अब इसके ऊपर ट्यूटोरियल भी बना के दिखाऊँगा आपको पूरी इस एप्लीकेशन के ऊपर, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। इसमें सिर्फ PNG फाइल नहीं, इसके अलावा बहुत अच्छे इसके अंदर और फीचर्स हैं, सब कुछ आपको बताऊंगा इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, और अच्छी सी वीडियो आपको सामने लेकर हाजिर होऊंगा। बस आप मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहो, मेरी सभी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें, और मेरे चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि जितनी मैं अच्छी और वीडियो डालूँ आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।